रिहाया है। विश्रम देखिए आप लोग, विश्रम का पेड़ बांग्ला तो है, तो जो पान पान का पत्ता जैसा रहता हो, बेहाया बोलते हैं उसको, कोई बोलता है विश्रम। उस पेड़ को मैं बचपन में एक बार नदी से पानी बह रहा था, वो फूल सर बहते बहते आ रहे थे, तो हम बोले पिताजी हम तो ऐसा बात बोलते हैं विश्रम कहीं का बेहाया कहीं का, तो आज इस बेहाया का पौधा को मैं देखता हूँ इसमें ये क्या खासियत क्या है इसका। तो मैं उसको नदी से बहते हुए जा रहा था, डंडा उसका, तो उसको निकाला, उसका सारा पत्ता को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसको पेड़ पे ले जाकर रख दिया, आम का पेड़ था, ऊपर ले जाकर चढ़ कर रख दिया। एक हफ्ते के बाद दिया था कि उसमें फिर पत्ते निकल आए। पेड़ पर रख दिया, ना मिट्टी है ना पानी है, कुछ नहीं मिला। मैंने उसको पूरे पत्ते छील दिए थे, रख दिया पेड़ के ऊपर, देख रहे हैं फिर भी वहां से भी वो पत्ता निकलना शुरू हो गया। हम बोले मेरा पिताजी सही बोलता था, ये बेशरम है। पेड़ भी देखो कितना बेशरम है, ना इसको मिट्टी है मिल रहा है ना पानी मिल रहा है, फिर भी वहां पर भी जाके जम गया। बोलते ना माँ बाप का बस दुआ भी ना दुआ बनकर लगता है, वो बोलते थे उस समय बेशरम। लेकिन जरा बिजनेस ऐसा ही ज्वाइन कर लिया, जहां भी हमारे को फेंक दो वहीं से बिजनेस शुरू हो जाता है। बेशरम जहाँ भी उठाकर फेंक दो, मेरे को कहीं भी उठाकर फेंक दो, शमशान घाट में फेंक दो, मैं तो मुर्दों को भी ज्वाइन करेंगे बिजनेस का। मेरे को समुंदर में उठाकर फेंक दो, मैं उस मछुआरे को भी ज्वाइन करेंगे वहां से बिजनेस निकालूंगा। क्योंकि वो मछुआरा 3 बजे भोर में समुंदर में मछली पकड़ने जाता है, क्यों जाता है? पैसा के लिए। सुनो इसका मतलब उसके दिमाग में है कि 3 बजे भोर में आंधी तूफान ठंडा गर्मी बरसात सब कुछ झेलता है, इसलिए पैसे के लिए। और उस मछुआरे का कोई होगा कि नहीं होगा? कोई ना कोई तो होगा, आसमान से टपक के तो नहीं आया। तो जब वो पैसे का वो इतना तकलीफ में पैसा कमा रहा है और इतना आसानी से पैसा कमाने का उसको रास्ता मिल जाएगा, सक्सेस होने का रास्ता मिल जाएगा, देश विदेश जाने का मौका मिल जाएगा, इतना सारा चीज लग्जरियस लाइफ जीने का उसको मौका मिलेगा, और उसके रिश्ते नाते होंगे कि नहीं होंगे? अरे वो भी तो शादी किया होगा, उसकी बीवी होगी, तो उसका भी तो सारा होगा, उसके साले को ज्वाइन करा दो, और उसका साला का भी तो कोई साला होगा, फिर उसके साले को ज्वाइन कराएंगे, फिर उससे पूछेंगे तेरा कोई साला है? बोलेगा हाँ साला, चल साला तू अपना साला को ज्वाइन कर, किसी साले को नहीं छोड़ेंगे। कोई ना कोई किसी का साला होगा ना भाई, अरे मैं भी किसी का साला होगा, साला मेरा भी कोई साला है और उसका भी कोई साला है, है कि नहीं है? अगर मैं किसी का मामा हूं तो मेरा भी कोई मामा है, है? उसका भी कोई मामा है, मामा का मामा, मामा का मामा, मामा का मामा से ही चलना, एक पटरी पे ही चलना। आदमी की कमी नहीं, और इंडिया में तो हमारा सोशल सर्कल इतना ज्यादा मजबूत होता है कि विदेशों में तो पहचानते ही नहीं है एक दूसरे को, 10 साल के बाद कितना बार डिवोर्स हो जाता है, बट हमारा इंडिया में पकड़ के रखते हैं 7 खानदान। कितना खानदान बोलते ना, तेरा 7 खानदान को ढोड़ डालूंगा। आपको बिजनेस करना है, अपना 7 खानदान का लिस्ट निकालो, आपका बिजनेस वहीं से हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पेट्रोल ले लेता हूँ, क्या करोगे? बोलने का कुछ और आ गया तो दूसरा मूड में आ गया, और नहीं लगे तो भी ठीक, हमको क्या फर्क पड़ता, हम जैसे हैं वैसे, प्रकृति ने हमको जैसे बनाया है मैं वैसे ही, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वैसे ही मैं जवाब भी देता हूँ। फॉलोअप तो इतना जिंदगी में इतना फॉलोअप किया, इतना फॉलोअप किया कि सरस्वती जुबान पर ही रहती है। कल एक लड़का मेरे घर में आया है, तो बोला ना सर मैं गाड़ी से नहीं जाऊंगा, मेरे को लगता है। बोला लगता है मतलब? नहीं मेरे को गाड़ी में, उसका कहने का तात्पर्य था कि उल्टी भूमि होता है। मैं एक्चुअली रायपुर से गाड़ी लेकर कलकत्ता आया हूँ, अभी 2 दिन के बाद फिर मैं बिहार निकल जाऊँगा, बिहार से कुछ लड़के आए, तो मैं बोला कि चलो तुम लोग मेरे साथ गाड़ी में चले जाना। तो उसमें से एक लड़का बोलता है नहीं सर हमको यहीं पे बैठा है, बोलता हमको गाड़ी लगता है। तो मैं लगता है तो ले जा, लगता है गाड़ी तो ले जा, मैं तेरे को हाँ मना किया, नहीं सर ऐसा बात नहीं, मेरे को गाड़ी लगता, मतलब चक्कर आता है, मतलब गाड़ी में नहीं बैठता उल्टी। हम बोले वो होते रहिए ब्रह्मा। एक ऐसे ही लड़का मेरे को मिला, कोई उसको निगेटिव दे रहा था, जानता मैं स्मार्ट वैल्यू करता था, जब से मैं गाड़ी लिया मैं रोड पे आया। अरे साले तो गाड़ी लेकर के रोड पे ही तो आता नहीं। गाड़ी लेकर कहाँ आता है? कौन सा खिलौना? तुमको खिलौना लेना चाहिए। गाड़ी लेके हर आदमी रोड पे ही आता है।
मैं भी रोड पे चलता हूँ, हवा में थोड़ी ना चलता हूँ, मेरा मुंह बंद हो, निगेटिव दे रहा था। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, हम तो पूरा सर पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक पूरा स्मार्ट बिल का खून भरा। हम तो मैं बोलता हूँ ना कि स्मार्ट बिल ने जिंदगी दिया, तो जिंदगी में मैं स्मार्ट बिल को दे दूंगा। इसीलिए गला में भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, फिर भी मैं काम करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, मेरा काम ही यही है। अभी भी गले में प्रॉब्लम है, वो नारियल पानी वाला रास्ते में मिल गया, तो मैं बोला गाड़ी का ड्राइवर को, बोला रुक रुक, शायद वो पेट की गर्मी की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो मेरे को लगा कि नारियल पानी पी लेंगे तो थोड़ा कुछ रिलीफ मिलेगा। तो गया नारियल पानी वाले के पास, तो इसका बहुत मेरे को टैक्स देना पड़ता है, पता है हर जगह पर मेरे को टैक्स पे करना पड़ता है, जैसे जीएसटी देते हैं ना, तो इसका भी मेरे को टैक्स देना पड़ता है। मैं जाता हूँ कहीं ना कहीं से मेरे को जितना भी छुपाने का कोशिश करूँ वो देख लेता है, जीत के तरह। अब 10 का चीज सीधे 20 बोल देता है, शर्म की तरह ना भी नहीं बोल सकते। अच्छा आप लोग कितना दिख रहा है इसमें? स्मार्टफोन को ऐसा ही है, किसी को 8 दिखा, मैडम सामने है, मैडम को 9 दिखा, भैया आपको कितना दिख रहा है? आप थोड़ा चश्मा पहन लो। हम ये दिखा रहे हैं तो आप होते वो दिखा रहे हैं, इंजेक्शन दिखा रहे हैं आप होते खोल लेंगे। 5 दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है? 5 और 5 10, उंगली कितना है? 10। अपना कोटा पूरा कर लिया होगा, क्योंकि इसका जो माल है ये छोटा है, गिर जाएगा तो इसका हिस्सा वाला मैं यहाँ लगा। किसी को तकलीफ भी हो रहा है, एक आदमी मेरे को बोलता है अच्छा ये सब ओरिजिनल है, हम बोले तू पहले ओरिजिनल है, तू अपना डीएनए टेस्ट करा के ले गया, तू ओरिजिनल है, मैं तो इसका गारंटी दे सकता हूँ, मैं पैसा पेमेंट किया हूँ, पहना हूँ, तो इसका गारंटी मेरे पास है, लेकिन तू ओरिजिनल है, तेरे पास प्रूफ है, बंद हो गया उसका। तो शक भी आदमी कहाँ कर रहा है सोचो। अब आप लोगों ने देख लिया ना, दस कुछ कुछ चीजें दिखती है वो होती नहीं, जो होती है वो दिखती नहीं। आकाश से जब देखेंगे दूर से आसमान को, धरती से टच करते हुए दिखता है ना, यस, बाकी में क्या वो है, हकीकत है। आंख को देखी चीजें भी झूठी होती होती है ना, कि आप आसमान को देख रहे हो कि जमीन से लगा हुआ, लेकिन वो लगा हुआ नहीं है। समुद्र का पानी देखने में कैसा होता है? नीला होता है ना, अपनी आंखों से ही देख रहे हैं ना। संस्कृत में कहावत है प्रत्यक्ष की प्रमाणम, तो अगर आप खुद की आंखों से देख रहे हैं समुद्र का पानी नीला है, लेकिन जब उसको हाथ में ऐसे लेके देखते हो तब कैसा दिखता है? नीला नहीं, नेचुरल जो पानी है उसको कैसा दिखता है ना, ब्लू दिखता है कि हाथ में नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता? आप ही कह रखे, आप ही कहा धोखा खा रहा है, ऐसा होता है ना, यहाँ पर भी धोखा खा गए दो आदमी, देखिए इसके अंदर भी। तो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो जो दिखता है वही दिखता है। स्मार्ट वेल में भी जो टिकता है वही आगे चल करके दिखता है, जो दिखेगा वही दिखेगा। प्रॉब्लम जिंदगी में सबको है, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं अरे तू कैसे कर लिया, कितना प्रॉब्लम होता है। तो फिर हम बोले कि अगर नॉर्मल तरीके से सक्सेस मिल जाता तो हर आदमी सक्सेस होता। अगर जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं है और आराम तरीके से गाड़ी चलेगी तो ब्रेकर तो आएगा ना, कहीं छोटा ब्रेकर आता है, कहीं बड़ा ब्रेकर आता है, अब कहीं तो रेलवे क्रॉसिंग का रेलवे का जो क्रॉसिंग होता है उसमें इतना ब्रेकर रखा बोटी चला देता है, तो गाड़ी चलेगी तो प्रॉब्लम आएगा ना। फिर थोड़ा देर के बाद देखेंगे रेलवे का पटरी पार किया, फिर उधर भी गए तो इस पार भी प्रॉब्लम, उस पार भी प्रॉब्लम, पेशेंस रखने के बाद फिर अच्छा रास्ता मिलता है कि नहीं मिलता। तो जिंदगी में प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम को झेलो, फोकस, तो प्रॉब्लम को फोकस मत करो, समस्या आई है टल जाएगी, समस्या आई है टल जाएगी, ये प्रकृति का नियम है, ये दिन है तो रात होगा, रात होगा तो दिन।